चश्मा गेश साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रात्रि के 9:05 हो चुकी है। मेरा बहुत मन था आज 8 ही लाइव आने का, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी था, एडवोकेट के साथ वहां से चर्चा कर रहा था, इसी के संदर्भ में मैं थोड़ा लेट हो गया। आपसे थोड़ा माफ़ी भी चाहूँगा। हो सकता है कि आप घर बैठे हो और काफ़ी समय से आप वेट भी कर रहे होंगे। केस की जो स्थितियां हैं उनको लेकर, कुछ भर्तियों को लेके, और जो एक विवाद का जो कारण बना हुआ है बीएड बीएसटीसी वाला, उस बात को लेके मैं आप लोगों से आज राय रूबरू हो रहा हूँ। बार बार सवाल किए जा रहे हैं, कई बार कॉल का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, और कई प्रकार से अलग अलग प्रकार की आपकी बातें हैं, उन बातों के लेके ही मैं लाइव जुड़ रहा हूँ। जितने भी युवा साथी है वो एक बार जुड़ जाए। चलो हम बात कर रहे हैं जो हमारा बिल्कुल फॉर्म भरने के बारे में भी मैं आप लोगों को बात रखूंगा। आप सभी लोग एक बार जुड़े। हाँ, मैं जो केस की बात कर रहा था, हमने दो प्रकार के केस लिस्टेड करवा चुके हैं, आप लोगों को पता है। पहला जो हमारा केस है वो जोधपुर हाई कोर्ट से भी है और जयपुर हाई कोर्ट में भी है। देवेश कुमार शर्मा के नाम से जो हमारा केस लगा है जयपुर में, उसकी कल सुनवाई होनी है। आप लोगों को सभी को पता है। नमस्कार हनुमानगढ़ से सुरेंद्र जी, आप सभी को राम राम, आप सभी का अभिवादन, सभी को मैं सभी को नमस्कार, फिर सभी को राम राम। जो मैं बात कह रहा था, देवेश कुमार नाम से याचिका जो लगी है, वो याचिका के साथ देवेश कुमार व अन्य कई लोगों के सवाल है हमारे पिटिशनर में, नाम तो उनके साथ सभी के जुड़ जाएंगे। कल सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल पैरवी करने के लिए आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं लेट इसीलिए हो गया हूं, हर चीज को मैं जान के आया हूं। सरकार इस में हड़कंप मच चुका है, सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं कि ये क्या हो गया। क्योंकि इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो विज्ञप्ति है, उसको ही हमने चैलेंज किया है। क्योंकि एनसीटी की जो नई गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, हाई कोर्ट्स के जो आदेश है, इनके अलावा 21 से अधिक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जो नोटिफिकेशन है, विज्ञप्तियां हैं, उनके आधार पे हमने एक बात रखी है, और उस बात के तहत कल बहुत बड़ा मजा आने वाला है राजस्थान में। जो लोग कह रहे थे कि दुनिया की कोई ताकत सम्मिलित नहीं कर पाएगी, तो बिल्कुल सम्मिलित होगी। अब जो मैं बात कह रहा हूं, आज का जो केस था जोधपुर में, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया नहीं था, बहुत सारा अंडरग्राउंड अभी भी मैं काम कर रहा हूं, जयपुर बैठा हूं, ये नहीं है मेरी 10 लोगों की, युवा साथियों की टीम। मैं अगर आपको अभी लाइव दिखाऊं तो मेरे इस कमरे में, जो ऑफिस का जो कमरा है, उसकी हालत ऐसी है कि जैसे एक कमरा हो, ऑफिस बाद में है, क्योंकि हमारी टीम इस काम को काम कर रही है। रात को 9 गया हूँ, उस ठंड में मैं भाग के वापस आया हूँ। टाइम आपको 9 का दिया था, मेरी बहुत इच्छा थी 8 लाइव आने की, लेकिन मैं काम से काम कर रहा हूँ, और काम के आधार पर मुझे आगे बढ़ना है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के कारण इस लड़ाई में नहीं आया हूँ, ये लड़ाई नहीं है, हक की लड़ाई है। और आज जो मैं जोधपुर में जो मुकेश कुमार नाम से जो याचिका थी, उसमें भी आर्ग्यू हुए, बहस हुई, और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है इस बात के लिए कि लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल हो या नहीं हो, और उस पर कल भी सुनवाई होगी। एजी को जोधपुर उतारोगे या जयपुर उतारोगे, दोनों जगह एक साथ है। कल हियरिंग है दोनों जगह, टाइम भी लेंगे हम, ऐसा नहीं है कि मैं कल जजमेंट करवा रहा हूं, समय भी लेंगे, लेकिन जजमेंट बीएडधारियों के पक्ष में होगा। मेरा पूरा प्रयास है 100% बीएडधारियों को बिठाऊं, लेकिन एक जजमेंट मेरे आड़े आ रहा है जो ये कहता है कि याचिकाकर्ता को फायदा मिले।
पिटिशनर जो है केवल उन्हीं को फायदा मिले, उसी की वजह से। अभी मैं एक आपको एक जजमेंट दिखाता हूं, एक फाइल और है, आगे पढ़िए। ये मेरे पास पंजाब हरियाणा कोर्ट का आदेश की एक प्रतिलिपि है जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है और उसमें स्पष्ट तौर से लिख रखा है पिटिशनर हर वुड विद एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एच स्टेट एग्जामिनेशन, यानी पिटिशनर को ही जो याचिका करता है उसको शामिल कर दिया जाए। तो ये मामला कुछ छोटा नहीं है, मैं कहीं भी रिस्क नहीं लेना चाहता। 12 लाख बीएड धारियों को मैं सम्मिलित कराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों कई जो लोग गुमराह कर रहे हैं बार बार ये कह रहे हैं हम बीएड वालों के लिए ये कर रहे हैं, वो किया, ये किया, खाया पिया मरा, न जाने क्या क्या बातें बोल रहे हैं। और वो जो बोलते थे ना कुछ भी नहीं होगा, अब वही बोल रहे हैं शामिल होंगे और होंगे होंगे, उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। जो मर्द होता है ना, मर्द वो अपनी बात पे रहता है चाहे शीश कट जाए, और जो कभी कुछ बोल दे कभी कुछ बोल दे उसे मैं तो नामर्द कहूंगा। और दूसरी बात, बीएड धारियों के लिए याचिकाकर्ता जो बनाने की मैं बात रखी थी, मैंने स्पष्ट तौर से इसलिए रखी थी कि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर कोर्ट इस प्रकार का ऑर्डर करते, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चल सकती है, 10 दिन की आगे की सुनवाई हो जाए, 15 दिन आगे चली जाए, टाइम मांग ले, 1 सप्ताह का मांग ले, तो फिर फार्म नहीं भरे जा सकते, फार्म की लास्ट डेट है। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट की जो मंशा है खुद की जीत सुनिश्चित है, गवर्नमेंट की जो मंशा है ना वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि इन्होंने देखो सरकार ने अपने हिसाब से ही काम कर लिया। एजी से राय नहीं ली गई है इस मैटर में, आपको क्लियर कर देता हूं मैं, डबल एजी से राय नहीं ली गई है, चिरंजी लाल जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, अलग हो गए, एजी के सामने रख दिए बात, क्योंकि मैटर बहुत बड़ा है, सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। डबल एजी इस बात को, बहुत सारी बातें हैं मेरे अंदर की है, मन करता है निकाल दूं सारी बातें आप लोगों के बीच में पहुंचा दूं, लेकिन स्पष्ट तौर से कह रहा हूं। अब कई लोग कह रहे हैं कि इस फार्म कब भरे, दोस्तों यकीन करें थोड़ा सा समय दे, फार्म भी भरवाऊंगा, लेवल सेकंड का अगर फार्म भरना चाहते हो तो भर दो, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं थोड़ा सा समय दे। एनसीटी ने जो वैधता लाइफ टाइम की उसको लेके आप चैलेंज कर सकती हो, क्या बड़ी बात है, कोई गलत कमेंट ना करे सहवाज खोकर, आप गलत कमेंट ना करें किसी के बारे में। आगे मेरी बात सुने, आज सरकार जोधपुर से भी हिलेगी, जयपुर से भी हिलेगी, फार्म भर दिया तो और फार्म भरवा लेंगी गवर्नमेंट। अब जो कई लोग ये पूछते हैं पिटिशनर क्या है, दोस्तों हमारे 3 एडवोकेट की टीम उतारी गई है मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा, हमने रघुनंदन जी शर्मा जयपुर से, वरिष्ठ वकील है, अच्छे वकील है, LDC वाला मामला था पिछले 2018 वाला मामला था, न जाने कितने PTI वाला मामला था, सेकंड ग्रेड वाला मामला था, इन्होंने लड़ा और जीता भी, अच्छे एडवोकेट है, जो इस बात को समझ रहे। उन्होंने मुझे कहा मैं असलम मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, ये केस तुमने दिया है तो 12 लाख अभ्यर्थियों का सवाल है और 12 लाख अभ्यर्थियों के बीच मैं काम करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा स्वाद आने वाला है। अभी उन्होंने फोन किया मेरे लाइव से जस्ट पहले कि AG आ चुका है, हालांकि मैं मिलके भी आया था उनसे, उन्होंने हमसे यही डिस्कस कर रहा था कि अगर AG आ रहा है तो किस प्रकार की बातें होगी, तो रघुनंदन जी लड़ रहे हैं हमारा जयपुर से और उनका साथ देने के लिए एक सीनियर एडवोकेट है, दूसरे सुशील जी बिश्नोई जिन्होंने ही जोधपुर हाई कोर्ट से 2018 की वेटिंग का केस लड़ा था और अंतिम टाइम पर जिन्होंने मौके पर चौका मारा था, जिसकी वजह से आज 3500 से अधिक परिवारों में रोशनी आई है, वो सुशील जी बिश्नोई थे। 2016 इंग्लिश का केस, 2017 संस्कृत विभाग का जिसका मेरे नाम का जो केस था वो उन्होंने, सुशील जी बिश्नोई ने लड़ा। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा असलम ये मेरी उनसे बात फरवरी से चल रही थी कि इस प्रकार का मैटर हो सकता है, तो वो तैयार थे फरवरी 2020 से, आज वापिस फरवरी आने को तैयार है। तो लोग जो सोच रहे हैं कि एडवोकेट के पास पहुंच जाएंगे, उससे पहले सोचना कि मेरे कितने क्लोज व्यक्ति के साथ मैं काम कर रहा हूं। धन्यवाद अशोक जी। आगे जो बात है सीनियर एडवोकेट की, RN माथुर नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, जिनका नाम सुनते ही
विपक्षी पार्टी के चेहरे के हाव भाव सब कुछ चेंज हो गए और ये बोलने लगे अब तो कोर्ट करेगा। अरे जब कोर्ट कर रहा था तो फालतू की क्यों बात कर रहा था, क्यों युवा को गुमराह किया, क्यों सरकार को गुमराह किया। और हर जगह अपनी बात रखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है आपको। साथियों 100% मेरी कोशिश है बीएड धारियों को शामिल करवाने की, 100% जो युवा साथी है ना मेरे साथ, 12 लाख युवाओं की बात नहीं है, 12 लाख परिवार की बात है, यहां पे मैं उन परिवार की बात कर रहा हूं, उन 12 लाख परिवार की बात कर रहा हूं उन 12 लाख परिवार के हक के लिए मैं बैठा हूं जयपुर से और कंटिन्यू टाइम दे रहा हूं। मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, हमारी पूरी टीम, आप लोग अगर आके मिलोगे आपको पता चलेगा क्या काम कर रही है, चाहे प्रेम जी हो, चाहे सुनील जी हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे महावीर जी हो, चाहे रमेश जी हो, चाहे महेश जी हो, चाहे क्या नाम है संदीप जी हो, संजय जी हो, सारे अभी यहां पे बैठे हैं, देवेश जी हो, बहुत सारी, अब तो किसी का नाम छूट गया तो वो ये कहेगा भाई साहब मेरा नाम क्यों नहीं लिया। एक टीम पूरी की पूरी जोधपुर बैठी है। तो मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं लेवल पर्थ में बीएड वाले शामिल होंगे, कल एक सुनवाई होगी, गवर्नमेंट की तरफ से एजी उतर रहा है, एजी को जो लोग कह रहे हैं ना मैं बीएड वालों का साथ सोच रहा हूं, उन्होंने मिनती की है एजी को उतारने के लिए, बीएड वालों के पैर काटने की कोशिश करने के लिए, लेकिन तेरे से एक कदम आगे चलूंगा हर बार, तू कहीं पे रख लेना कदम, एक कदम आगे चलूंगा पूरी टीम के साथ। यहां पे मामला सच का है, मेरे किसी भी बीएसटीसी भाइयों के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मैं उसका हक नहीं खा रहा हूं। उसको कहें बीएसटीसी वाले भाई बहनों बिल्कुल भी इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, अपनी तैयारी करो वरना इन्हीं बातों से चले जाओगे। 100% बीएड वालों को शामिल होंगे, ध्यान कर लेना। मैंने कल भी बोला था मुझे जरूरत पड़ी तो मैं हरीश जी सालवे से बात कर चुका हूं, उनको उतारना पड़ेगा तो उनको भी हम उतार देंगे। हाँ पिटिशनर का सवाल आ रहा था बार बार कि पिटिशनर वाले हमारे नाम कब से होंगे, कुछ लोगों के नाम देवेश शर्मा की याचिका के साथ शो हो गए हैं, देवेश शर्मा व अन्य में, कुछ के और हो जाएंगे जोधपुर वाले में मुकेश कुमार के साथ हो जाएंगे, और फिर भी अगर कोई बात होगी मैं ऐड कराऊंगा। मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं सारी मैं फाइल देख के आया हूं, हर तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कोई भी याचिकाकर्ता वंचित ना रह जाए, कोई भी व्यक्ति, अगर ये लड़ाई थोड़ी सी आगे चली जाए, डेट आगे नहीं बढ़ने वाली कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ये सोचो कि डेट आगे बढ़ रही है। अब एक नेता बोल रहा है, सुनने में आ रहा है कि बीएसटीसी बीएड विवाद में नहीं पढ़ रहा हूं। अरे भाई आप तो विवाद को जन्म देता तुम हो, तुम्हारी वजह से विवाद बढ़ा है। बीएसटीसी वालों का हक दिला के रहने वाली थी और बार बार आप ये कह रहे थे हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं रोक सकती, अब आपको विवाद लग रहा है। साथियों सच का साथ दो, बहुत हो गए गुमराह। ऐसे कमेंट ना करो, मुझे भी हंसी आ रही है। अब कई लोग पूछ रहे हैं याचिकाकर्ता को क्या फायदा होगा। साथियों याचिकाकर्ता को इसलिए होता है कि यदि किसी कारण से, देखो आज तारीख हो रही है आप लोगों को पता है 20 हो चुकी है, कोर्ट में टाइम लिया जाएगा, कल टाइम मांग ले सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए, उनको नोटिस भेजा जाए, वो जवाब के लिए आएंगे तो 10-12 दिन आगे, वैसे भी 2 तारीख उसको मिली हुई है तो कहीं 2 से 5 हो जाए, 8 तारीख लास्ट है, तो ये विवाद थोड़ा सा लंबा चल जाए, 8 से आगे चला जाए तो उस हिसाब से 8 से मतलब 12 तारीख के लगवाए तो फिर कोर्ट यही कहेगा, या विवाद और भी लंबा चले तो केवल याचिकाकर्ता को पहले एग्जाम में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है याचिकाकर्ता जरूर बने, बाद में ये मत कहना असलम भाई आपने बताया नहीं। रामजस जी इस मुद्दे पे मेरी बात हुई है जो आपने लिखा है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का लेके, उसको भी मैं बात रखूंगा। वेटिंग में हमेशा ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जहां पे सीटें खाली होती है उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ये भी कई बातें हैं मैं रखूंगा। हाँ मैं जो ये कह रहा था पिटिशनर के लिए,
कोई भाई बंधु बाद में बिल्कुल जीत चुके हैं शिवराज जी, बिल्कुल जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने दाव खेल रहे हैं, ये रुक नहीं रहे हैं। तब मैं ये कह रहा हूं कि कहीं मैं, मेरे कोई भाई बंधु, मेरी कोई बहन, देवेश वाली भी कल सुनवाई है, मुकेश वाली भी कल सुनवाई है, ये वकील को ये कह रहे हैं कि 15 दिन आगे की डेट ले लो, 20 दिन की, अरे मैं इतने पिटीशनर भर दूंगा, रोज नई हियरिंग लगेगी, रोज नई सुनवाई होगी, रोज नया मैटर होगा, और किसी ना किसी में आदेश करवा के लेके आऊंगा। मुझे एक में आदेश करवाना है, भीड़ वालों को शामिल करवाने का। मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, रोज मैं स्टडी करके काम कर रहा हूं भाई लोगों, स्टडी करके काम कर रहा हूं, ऐसे नहीं कर रहा हूं। मुझे भाई लोगों घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। आप विश्वास रखें, आपके 3 डॉक्यूमेंट तैयार रखें जिनको याचिकाकर्ता बनना है, अपना आधार कार्ड, अपने बीएड की मार्कशीट और अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट। टीएसपी वालों, आपके पास बम्पर मौका, सीटें खाली रहती है। मैं आपको आज भी कर रहा हूं, मैं पूरे अंदर तक पूरा काम कर रहा हूं, अंडरग्राउंड काम कर रहा हूं, बहुत सारी बातें बता नहीं सकता, मेरी पूरी टीम इस प्रकार के काम कर रही है। सरकार भी अपने साथ आएगी, देख लेना आप, सरकार भी अपने फेवर में काम करेगी। दोस्तों एक नंबर नोट कर लीजिए, या तो मुकेश जी के नंबर आप लोगों के पास होंगे, आप उनसे संपर्क करके, या जयपुर के आसपास है तो जयपुर ऑफिस आके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, ताकि मैं एडवोकेट साहब तक पहुंचा दूं, कोई ऐसा ना रह जाए, क्योंकि मेरा कोई भाई बंधु, मेरा कोई नजदीकी, कोई मेरा प्रशंसक, कल एक बंदा ऐसा मुझसे मिला जो मुझे ये काम करने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित कर गया। कल धौलपुर में एक बंदा आया, मेरे साथ एक फोटो लिया, आज उसने मुझे फोटो भी भेजी है। उसने मुझे ये बोला कि भाई साहब मैं बहुत बड़ा फैन हूं आपका, और उसके अलावा उसने केप लगा रखी थी सर पे, केप हटा के देखा तो वो बद्दर था, यानी उसके सर पे बाल नहीं थे। उसने मुझे ये कहा, कल ही उसकी मम्मी का देहांत हुआ था, यानी कल 19 तारीख थी, 18 तारीख को उसने कहा मम्मी चली गई, लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं तो आपसे मिलने आया हूं। ऐसे लोग मुझे प्रेरित करते हैं। और अब तो मामला सच का था, हक का था, और जितने भी युवा साथी हैं उनको शुक्रिया अशोक जी। तो ये जो बात मेरे सामने आती है, कई लोग ये कहते हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, भाई साहब आप अपना काम करें, इतने में बढ़िया है, वरना मैं कभी किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करता, मैं मेरे काम से काम रखता हूं। मुझे पता है कि मैं क्या हूं और मुझे क्या करना है। अब आप अपने सवाल रखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई हिंदुस्तान की बोल रहा था, मैं दुनिया की बोल रहा हूं, लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को बिठाएगी, रोक नहीं सकती, कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आप नंबर नोट कर ले, मुकेश जी छिंपा के 80580 80580 92646, इनसे आप बात करें, ये सारी जानकारी आपको दे देंगे, कहां पे आपके डॉक्यूमेंट मिलेंगे। बिल्कुल लट गाड़ दिए भाई साहब सोनू कुमार जी, फौजदार जी, पिटिशनर 2 या 3 दिन का टाइम है आप लोगों के पास, मैं पहले ही बता रहा हूं, 2 या 3 दिन से ज्यादा, क्योंकि हमारे पास और काम बहुत है, वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। आप सारे लोग ऑनलाइन भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं मुकेश जी को।
सवाल रखिए, मैं आपको जवाब देता हूं। मेरे कोशिश है महेंद्र जी सभी को शामिल करवाने की, अभी भी मैं डिस्कस करके आया हूं। मेरे साथ मेरा प्रेम भाई साथ गया था, एक मिनट में आपको दिखा देता हूं। नमस्कार साथियों, बिल्कुल मैं असलम जी के साथ गया था अभी, और वकील साहब से मिलके भी आया हूं, और उन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि जो भी मामला है वो बीएड वालों के हक में ही रहने वाला है। मैंने इनके सामने ये बात रखी थी कि हर हाल में सभी को शामिल करवाना है, सभी बीएडधारियों को। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर थोड़ा सा मामला अपन पंजाब हरियाणा वाली बात रखे उस आधार पे होता है तो याचिकाकर्ता को फायदा मिलेगा। तो आप इस बात में ना चुके हाउ, देखो कई लोगों को ये लगता है कि, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिस एडवोकेट से हम काम करवा रहे हैं वो अपने हक का काम कर रहे हैं। जीत सभी की होगी, आप सभी लोग पहुंचे और आपको नंबर पिन कर दिए हैं मुकेश जी के नीचे कमेंट में, आपको टॉप पे मिलेगा। इन नंबरों पे आप बात करके सारी बात करते जाए, नोट नंबर लिखे हुए हैं मेरे नाम से ही अभी। और जो लोग पूछ रहे हैं फीस कितनी है, फीस के लिए मैं आपको बता देता हूं, पिटीशन चार्ज के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, तो जो एडवोकेट ले रहा है वही हम उनके सामने रख रहे हैं, जो एडवोकेट के सामने वो हम पे कर रहे हैं। और आपकी जो ड्राफ्टिंग जो तैयार हो रही है उसमें 119 पेज का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 109 पेज का इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, 58 पेज का पटना हाईकोर्ट का है, और इसके साथ साथ 3 ऑर्डर है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के, 1 ऑर्डर है बॉम्बे हाईकोर्ट का, 21 राज्यों की नोटिफिकेशन यानी विज्ञप्तियां हैं, इसके अलावा आपकी ड्राफ्टिंग है। तो इस प्रकार का कोई कार्य है तो वो वकील अपने हिसाब से कर रहा है। तो आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं दो और भर्तियों के बारे में, 2016 गणित विज्ञान, 2017 गणित विज्ञान, 2016 अंग्रेजी के बारे में। कई बार ये कह रहे हैं कि आप बोल नहीं रहे हो हमारी भर्ती के बारे में, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस पे नजर है मेरी, मैंने आज भी बात की, इनमें भी एक बड़ा धमाका करके आएंगे। और जो लोग जयपुर है, जयपुर के आसपास है, वो टोंक फाटक पे हमारी ऑफिस है, टोंक फाटक पे लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पास में है, तो आप सभी पहुंचे। जय लंकेश, रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारा पूर्वविद प्लान काम कर रहे हैं, जो हमने सोचा था वैसे ही आप कर रहे हैं। मुकेश जी मैं ये चाह रहा हूं कि 2016 की वेटिंग निकले, बिल्कुल इस एसआई के 227 पोस्ट के संदर्भ में मुझे 5 दिन का समय दे, उसके बाद में आपकी ही बात रखूंगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों से जल्द फ्री होना चाहता हूं। और देखो जो भाई पिटीशन बनना चाहता है उनको क्लियर कर देता हूं, आप लोग तैयारी करें, बाद में मत कह देना कि हमें मौका नहीं मिला, आप तैयारी करें, बाकी हम काम कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और कल लाइव आके बहुत बात रखेंगे। एडवोकेट एसराज जी धन्यवाद, आप सभी विज्ञान गणित के पद समान साथ ही होंगे, पिछली बार सतीश यादव की संदर्भ में याचिका खारिज हो चुकी है, ये भी बात मैं क्लियर कर देता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े, जय हो, जय हिंद, जय भारत। उठाओ आपसे कोई